नाम दिनेश है, हम गोरखपुर से हैं। इनके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रैंको लिविंग जीएस। दिस इज ज्योति, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ आवर कैफे मेकओवर एंड आई होप यू लाइक इट। इफ यू डू प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। I didn't like the light gray color, so I painted it a dark shade and it looks much, much, much better. Hello everyone, so today we are here at the site again to get some furnishing work done. So let me introduce you to my craftsman, Dinesh ji. My name is Dinesh Pandey. I have been working with Jyoti Madam for a long time. I was in Bangalore in 2012. This is my work. And this is his partner. हमारा नाम अमन सिंह है। सो आई गॉट दिस लैडर हंग टू पुट इन सम प्लांटर्स व्हिच कुड हैंग ओवर द विंडो। For the natural touch, I added this branch. Also, they had an old sofa which had a lot of springs, so I used it to represent the solar fencing around our entire layout. और हमारे लेआउट में खूब सारे बैम्बू प्लांट्स हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक बैम्बू स्टिक भी ऐड किया है। Hello everyone, happy Saturday. So today we are going to tackle another wall which we show you. So this is the wall which we are going to cover today. New glasses for safety. So here we are cleaning the wall and giving it a coat of primer to keep it ready. अरे रुक जा, थोड़ा टेढ़ा है, दिखेगा नहीं तो नीचे से। कोई बात नहीं, ठीक है यार। अरे विजिबल होता है ये। मैं ना नीचे आ जाऊँ। अच्छा प्रेस इट प्रॉपरली। हाँ बेटर। तो जैसा कि आपने देखा, हमारा नीला आसमान दीवार पर तैयार था, कमी थी कुछ पत्तियों की। तो यहाँ पे मैं अपने लेआउट से कुछ पत्तियाँ ले रही हूँ ताकि मैं अपनी वॉल पे उन्हें इम्प्रिंट कर सकूँ। सो फाइनली दीज आर द लकी चोजन वंस जो कि मेरी दीवार पे इम्प्रिंट होने वाली थी। मेरे कलर स्कीम में जितने भी कलर्स थे मैंने बहुत जनरस अमाउंट इन लीव्स पे अप्लाई किया और उसे वॉल पे इम्प्रिंट करा। चलिए देखते हैं। Tears in your eyes at every step of our goodbyes. Pink pearls and a ruffled worn sweater, you left them behind like a love letter. I can make a sentence and nothing makes sense. तो अब बारी थी पुरानी चीज़ों को नया रूप देने की। तो जितनी भी हैंगिंग लाइट्स थी उन सब पे मैंने अपने कलर स्कीम के पेंट्स अप्लाई करे और वो बहुत ही न्यू और फ्रेश लग रही थी। ऑल्सो जो हमने ये वुडन ब्रांच हैंग करी थी इसके ऊपर हमने एक कोट दिया स्टेन का, प्लस उस पर वार्निश किया ताकि ये लॉन्ग रन में सस्टेन करे। और हमारा हैंगिंग गार्डन कैसे पीछे रह सकता है, इसको भी कलर कोऑर्डिनेट करने के लिए मैंने अपने कलर स्कीम से एक अच्छा सा कोट पेंट कर दिया है, प्लस वार्निश भी दिया। तो जी बैक टू रिप्रेजेंटिंग द सोलर फेंसिंग। हाँ अब बजट कम है बट रिप्रेजेंट सब करना है, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना ऑलरेडी जो चीज़ें हैं उनके पास उन्हें ही यूज़ करें। तो उत्सव हैड अ लॉट ऑफ रोप जो कि वेस्ट थी, तो आई थॉट क्यों ना इसी को रैप करके हम सोलर फेंसिंग का लुक दें। एंड इट डिड द जॉब प्रीटी वेल।
तो बैम्बू कलर करने के बाद मैंने उसको भी एक वार्निश कोट दिया ताकि इट शाइन्स ब्राइट एंड इट एड्स टू द ब्यूटी ऑफ दिस ब्यूटीफुल ब्लू वॉल। वॉल को फिनिश करने के लिए ज़रूरत थी एक बोर्ड की, तो दिस इज़ माई डिज़ाइन एंड दिस इज़ द रियलिटी आफ्टर मेकिंग दिस बोर्ड। अब वॉल्स को ज़रूरत थी फोकस लाइट्स की, बजट था नहीं तो हमने अपनी लाइट्स को फोकस लाइट्स बना दिया टिल्ट करके। दैट्स अ जुगाड़। So I hope you liked this wall makeover. If you did, please consider subscribing to my channel and stay tuned because I have lot more videos lined up with the DIYs like this DIY name board and other few decor items for this cafe makeover. So stay tuned. इनके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ।